आप सभी को मेरा नमस्कार। रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। मंत्र हमारे जीवन में बहुत रोल प्ले करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में मंत्रों को सुनते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या मंत्र हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं? इसी के चलते रेडियो द्वारका अपना एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है जीवन बदलते हैं मंत्र। और इस कार्यक्रम में मंत्रों के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, वो बताएंगे डॉक्टर श्रीराम आचार्य। डॉक्टर श्रीराम आचार्य के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर श्रीराम आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सिद्धांत गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष के प्रमाणित आचार्य तथा ज्योतिष में PhD हैं। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण डॉक्टर श्रीराम को महामहिम राज्यपाल राजस्थान द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। डॉक्टर श्रीराम का परिवार ट्रेडिशनली ज्योतिष और इस तरह के ज्ञान से, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उनके दादाजी जो कि 95 वर्ष के हैं, वो अभी भी जनसेवा के लिए ये काम करते हैं। उनके पिताजी डॉक्टर भोजराम शर्मा आचार्य ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य के पास और वो आपको बताएंगे कि हम इस कार्यक्रम में क्या क्या आपको बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर श्रीराम आचार्य, अब आप बताएं कि इस कार्यक्रम में हम क्या क्या लोगों को बताने जा रहे हैं। नमस्कार। मनुष्य सदैव से अपने भविष्य को जानने के लिए जिज्ञासु रहा है। मनुष्य चाहता है कि वह अपने जीवन के अनुकूल परिस्थितियों को बनाए, अपने अरिष्टों का निवारण करे और अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करे। इसके लिए वह ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहस्तु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। यह संपूर्ण जगत ग्रहों से व्याप्त है, ग्रहों के अधीन है, वही सुख सुविधाएं देते हैं और पुनः हरण कर लेते हैं। ग्रहों के प्रतिकूल फल का निवारण करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, मणि, औषधि और मंत्र। मणि अर्थात रत्नों को धारण करना, औषधि अर्थात औषधियों को धारण करना, उनका सेवन करना, और तीसरा सर्वोपयोगी उपाय है मंत्र। मंत्रों का मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में जो प्रतिफल बताया गया है वह है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति। हमारा यह कार्यक्रम भी, हमें आशा है कि सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में सहायक होगा। वास्तव में मंत्र क्या है, मंत्र किसे कहते हैं इत्यादि विषय हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, कौन से मंत्र हमारे भाग्योदय में हमारे सहायक हो सकते हैं, ये हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। विशेष करके मंत्रों के जप के समय दीपक, माला, आसन इत्यादि का निश्चय कैसे किया जाए, किस मंत्र के साथ कौन सा दीपक जलाया जाए, कौन सा आसन लेकर बैठा जाए, किस माला से जप किया जाए, इत्यादि विषयों में हम इस श्रृंखला में विचार करेंगे। मंत्रों के प्रतिफल मिलने में देरी क्यों होती है अथवा प्रतिफल मिलता क्यों नहीं है, ये विषय बहुत विचारणीय है, इस पर भी हम विचार करेंगे। प्रायः शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, फिर भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो हमारे जीवन के लिए विशेष लाभदायक होते हैं, जिस प्रकार मानसिक शांति देने वाले, एकाग्रता प्रदान करने वाले, हमें जीवन में प्रेरणा देने वाले, बच्चों की बुद्धि को एकाग्र बनाने वाले, विद्या प्रदान करने में सहायक और हमें स्वस्थ रखने में सहायक, स्वास्थ्य रक्षा के लिए सहायक मंत्र जो हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति, मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले मंत्रों को विशेष तौर पर हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध करवाएंगे। प्रत्येक मंत्र की क्या विधियां हो सकती है, क्या अत्यावश्यक नियम है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमें आशा है
कि ये मंत्र हमारे सभी श्रोताओं एवं दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। So, ये आपने सुना कि इस कार्यक्रम में हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। आप इसको रेगुलर सुनने के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप भी किसी विशेष मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।